एक्चुअली इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड. जो सोच के फिल्म बनाई थी, जिस टाइम नितेश जी ने ये स्क्रिप्ट हमें नरेट की थी, एक मैसेज था फिल्म में जिसको सुनते ही मैंने फिल्म के लिए हाँ बोल दिया था. बट दिस फिल्म वॉज इम्पॉसिबल टू मेक विदाउट बच्चन साहब, बिकॉज द पार्ट विच ही हैज़ प्लेड इन द फिल्म, इट इज़ आई थिंक नोबडी एल्स कैन प्ले बेटर देन हिम. सो आई वुड लाइक टू थैंक बच्चन साहब फॉर दिस एंड द इंटायर टीम ऑफ बीआर फिल्म्स, स्पेशली कपिल, अभय. Without that, it was not possible because it was their project. They came to me and I found merit in it and I went on to make it. So, very thank to entire team of Bhootnath Returns and I'm very, very happy. Everybody is loving the film. This film was very important to all of us. One, as you said, it's a legacy that we are inheriting and I hope we can continue forward. This is something that has come from 50 years old from my grandfather. And it's important that we take it forward. So I want to firstly thank Nitesh for bringing a film like this to us. Thank you. And then, of course, Bhushan ji, who helped us and he was there, he had faith in us to take this forward. And then Amit uncle and Bowman sir and everyone in the cast. Well, we couldn't be here today if it was for each and every one of them. Thank you. It is a very, very special day for all of us. And I cannot tell you how overjoyed I am that this film has not only made a mark at the box office, but has garnered so much of respectability. And from a lot of quotes that I may have heard in the press or from people, the one thing that always stands out, it's a film that has its heart in the right place. And it's a film that has earned our respect. And I'm so proud to be part of it. I'm so proud to be standing with these wonderful young gentlemen over here and this wonderful lady. And I can't tell you how happy I am. And I know Ravi Saab is at home right now and he must be so thrilled and so overjoyed with the fact that this film is making the right kind of noises. क्योंकि आप लोग मुझे देख नहीं सकते हैं, इसलिए जो मेरे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्थ जी वो बोलेंगे. मुझे बहुत मजा आया फिल्म करते हुए और पहले मुझे सर का डर लगा था, लेकिन सर बहुत मस्ती करते हैं, सेट पे जोक्स करते हैं, तो बहुत मजा आया. बवन सर भी बहुत अच्छे है, उषा दोषी भी बहुत अच्छी है, नितेश सर तो बहुत अच्छी तरह से मतलब समझाते कि क्या सीन है, क्या करना है, और अच्छी तरह से वो समझ भी आता था तो मजा आता था. देवी और सज्जनों, एक प्रमोशन के दिन जब हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि मेरे लिए नहीं, प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं, जितने भी कलाकार हैं उनके लिए नहीं, रवि चोपड़ा के लिए ये फिल्म अगर चल जाए तो बहुत अच्छा होगा. मैं इस बात का ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारी बात मानी. मैं जानता हूँ कि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन मैं इस आशा से ये कह रहा हूँ कि शायद ये खबर सुन करके वो फिर से स्वस्थ हो जाएं. ये कहूँगा कि एक अजीब कहानी और एक अजीब तरह के स्टार कास्ट और इस तरह की फिल्मों को सफलता प्राप्त करना हमारे देश के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है. कहीं ना कहीं एक दिल में एक बात रह जाती है, हमारे मन में एक बात रह जाती है. बहुत से लोगों के मन में यह हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद शायद अपने दिल को टटोलना चाहिए, मन को टटोलना चाहिए. और नितेश, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा सोचा और हम सब से, हमें पता ही नहीं चला कि कब ये फिल्म स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हो गई. अपने आप को हमने इनके भरोसे रख दिया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब इनका किया कराया है. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जितने भी सह कलाकार, बमन, उषा जी और ये छुटकू. ये बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं और अभी शायद बहुत जल्दी है ये कहना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साल भर के पुरस्कार हैं बेस्ट एक्टर के, चाइल्ड एक्टर के नहीं, बेस्ट एक्टर के, वो इन्हें मिले. इतना सुंदर काम किया इन्होंने. बस बस, आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब भूतनाथ आई तो
बहुत बहुत पॉपुलर होने लगी. सब बच्चे मुझे बंकू की मम्मी के तौर पर जानते थे. सो आई यूज टू बी क्वाइट सरप्राइज क्योंकि मुझे नहीं पता चला कि कितनी फेमस और पॉपुलर हो गई है अनटिल आई केप्ट मीटिंग चिल्ड्रेन एट वो कोई एयरपोर्ट में मिल जाता है कोई कहीं मिल जाता है. हाँ बंकू की मम्मी है ना या उनकी मम्मी आगे बोलती यू नो मेरे बच्चे आपको इस तरह जानते हैं. और आज उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स बनाई है और उसकी भी सक्सेस हो गई. सो मुझे ये अच्छा लगता है कि हमने कुछ एक ऐसा काम किया जिसकी नींव पर एक इमारत और खड़ी हो गई और आज उसे भी कामयाबी मिल गई. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर द फिल्म एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर रेनू जी एंड रवि जी क्योंकि इनको मैं बहुत बहुत वक्त से जानती हूँ. मैं जब क़यामत से क़यामत तक करने वाली थी तब बी आर चोपड़ा जी ने मुझे महाभारत में एक रोल देना चाहा. तो मैं तब से यानी कि मेरे करियर शुरू होने के वक्त से मैं उन इस फैमिली को जानती हूँ. तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम कि ये इतनी अच्छी सक्सेस हो गई. हाय मैं हूँ जूही चावला और देखते रहिए बॉलीवुड एंड ग्लैमर.